In this video, we have to find the possible output of the program, and the program is possible output means यहाँ पे एक से ज़्यादा output possible हो सकते हैं. Now let's see the program. तो सबसे पहले मैंने randomize function को call कर लिया, जो कि random function को initialize करेगा, और ये दोनों stdlib.h में होते हैं. उसके बाद मैंने random function में limit variable pass कर दिया, और ये जो लिमिट के यहाँ पे लिमिट पास किया, यहाँ पे सिस्टम का टाइम भी पास कर सकता हूँ. और जब मैं यहाँ पे सिस्टम का टाइम पास कर दूँगा, तो हर टाइम पे ये डिफरेंट डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट करेगा. एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे 100 प्लस किया, जो भी होल वैल्यू होगा उसको मैंने पॉइंट्स में असाइन कर दिया. असाइन करने के बाद लूप चलाया, जो लूप चल रहा है पी की वैल्यू पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, वहाँ से स्टार्ट होगा, और पी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 100, देन पी की वैल्यू को मैंने सिंगल सिंगल डिक्रीमेंट किया है, एंड देन सी आउट में मैंने पी की वैल्यू को प्रिंट किया है, एंड देन हैश को प्रिंट किया है. नाउ लेट्स सी हाउ टू एग्जीक्यूट एंड फाइंड द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. तो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा मुझे. लेट यहाँ पर मैंने लिमिट की वैल्यू ले लिया, सपोज 4 ले लिया. देन ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लिमिट की वैल्यू अगर मैंने 4 ले लिया तो ये मिनिमम हमारा हो जाएगा, मिन इज इक्वल टू 0 एंड देन मैक्स इज इक्वल टू 3. तो 0 टू n माइनस 1 तक चलता है, ये इसमें आ गया. इसके बाद मुझे इन दोनों में 100 प्लस करना है, तो मुझे क्या करना है, इसमें प्लस करना है 100. तो 100 प्लस कर दिया, तो 100 प्लस करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 100 प्लस 0. तो यहाँ पे अगेन मिन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100, एंड देन मैक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 3, दैट इज 103. तो यहाँ पे अगर मैं मैक्स की वैल्यू पास करूँ, तो मैक्स की वैल्यू ये टोटल इस टाइम पे मैक्सिमम की वैल्यू पॉइंट्स, दैट इज एक बार हमारे पास ये पॉइंट्स की वैल्यू है, तो पॉइंट्स की वैल्यू अगर मैं मैक्सिमम दैट इज 103 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 103. तो 103 इज ग्रेटर देन 100 है क्या, यस, कंडीशन इज ट्रू. तो कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पे पी की वैल्यू प्रिंट होगा, तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 103. तो फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, 103 एंड देन हैज, उसके बाद क्या होगा, पी की वैल्यू माइनस होगा, एंड देन 102 एंड देन हैज, एंड देन अगेन माइनस होगा, देन 101 देन हैज, अगेन माइनस होगा. तो ये कहाँ तक चलेगा, 100 तक चलेगा ओनली, दैट इज 100 हैज. तो अगर मैंने लिमिट की वैल्यू 4 लिया, तो हमारे पास 103, 102, 101 एंड 100 आंसर होगा. और अगर मैं लेट लिमिट इज इक्वल टू 5, अगर मैं लिमिट इज इक्वल टू 5 ले लेता, तो क्या होता, इधर आंसर आता 104 हैज, एंड देन 103 हैज, एंड देन 102 हैज, एंड देन 101 हैज, एंड देन 100 दैट इज 100 हैज. तो इसके पॉसिबल आंसर दो पॉसिबल होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा. दैट इज़ द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम.